जया ने अखिलेश की बढ़ा दी टेंशन, सदन से जया बच्चन का कटेगा पत्ता। मिस्टर जेरेकोब्रियन, मांग को लेकर यू आर शाउटिंग एट द चेयर, योर कॉन्डक्ट इज अग्लीस्ट इन द हाउस। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। आई ऑब्जेक्टेड टू द टोन यूज्ड बाय द चेयर। सॉरी ऑनरेबल मेंबर्स, आई टू लीव द हाउस टू टेक सेल्फ डिसिप्लिन डिसीजंस। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2004 से समाजवादी पार्टी जया बच्चन को लगातार राज्यसभा भेज रही है, लेकिन इससे सपा को कितना फायदा हुआ इसका अंदाजा शायद अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि बाहर से जो नजर आता है उससे तो यही लगता है कि जया बच्चन के नाम पर किसी भी वोट बैंक को खींच पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जया बच्चन को लगातार राज्यसभा भेजा जा रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव के लिए वो बड़ी टेंशन बन गई थी, क्योंकि सदन में वो किसी भी मुद्दे पर सरकार और सभापति से भिड़ जा रही है, जिसकी वजह से सपा के सहयोगियों को भी उनका साथ देना पड़ रहा है। वो बात अलग है कि इससे सदन की कार्रवाई में बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से अखिलेश की भी टेंशन बढ़ रही है। ऐसे में तमाम सवाल हैं, साथ में ये भी अंदेशा है कि जया बच्चन शायद आखिरी बार राज्यसभा में दिख रही हैं। कैसे, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। अमिताभ के नाम से क्यों दिक्कत? अमिताभ का नाम जया शादी के बाद से ही जोड़ती आ रही है, लेकिन कभी ऐतराज नहीं किया। अब उन्हें इस नाम से दिक्कत हो रही है, फेमिनिज्म का मुद्दा बना रही है। ऐसे में जया से तमाम सवाल हैं कि आखिर 2004 से आप सांसद हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं हुई पति के नाम से, लेकिन अब पति के नाम से आपको क्यों परेशानी है? राज्यसभा का सभापति कलीग कैसे हुआ? राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे में वो उनके कलीग नहीं हो सकते, साथ ही सभापति राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते। लेकिन जया बच्चन ने अपना कलीग बताया तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और फिर विपक्ष को घेर लिया। जया का भड़कना विपक्ष के लिए मुसीबत। जया के मुद्दे पर अगर विपक्ष बार बार वॉकआउट करेगा तो लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बाद भी सवाल उठेगा कि आखिर बार बार विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, जनता का इसमें क्या हित है, जनता के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा विपक्ष? अखिलेश के लिए कितनी टेंशन? सपा प्रमुख अखिलेश के लिए जया बच्चन इसीलिए टेंशन बन गई है क्योंकि उनकी बहसबाजी की वजह से उनके गठबंधन साथियों को उनका साथ देना पड़ रहा है, सदन से वॉकआउट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सदन में विपक्ष अपनी बात नहीं रख पा रहा है, ना ही मोदी सरकार को वो लगातार किसी मुद्दे पर घेर पा रहा है। ऐसे में सपा के साथी दल अखिलेश से इसकी शिकायत कर सकते हैं। अखिलेश के लिए ये असहज होने वाली स्थिति होगी, क्योंकि जया काफी सीनियर है, जिसकी वजह से अखिलेश उन्हें शायद कुछ कहते हैं तो बात बिगड़ सकती है और साथियों से भी मनमुटाव हो सकता है। क्या आखिरी बार राज्यसभा में दिख रही जया बच्चन? अगर जया बच्चन का रवैया लगातार यही रहा तो मजबूरन अखिलेश को अगली बार उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजने से पहले विचार करना होगा, और हो सकता है कि वो कड़ा फैसला भी ले लें, क्योंकि अखिलेश को अपने सहयोगियों के साथ आगे की लंबी राजनीति साधनी है। ऐसे में जया बच्चन को लेकर अगली बार वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जया बच्चन आगे भी इसी तरह सभापति से लड़ती रही जिससे अखिलेश के लिए मुश्किलें बढ़े, तो फिर एक बड़ा फैसला अगली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है, और हो सकता है कि जया बच्चन को राज्यसभा ना भेजा जाए। ऐसे में ये आखिरी बार होगा जब जया बच्चन सदन में दिख रही हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी आगे क्या कुछ फैसला करती है। अभी आप सुनिए जया बच्चन और सभापति की सदन में बहसबाजी कैसे हुई, और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। ऑनरेबल मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर, एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। वन सेकेंड, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल में नो, बैठिए बैठिए बैठिए, ऑनरेबल मेंबर्स बैठिए 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 बैठिए, आई नो हाउ टू डील विद इट, बैठिए। जया जी, यू अर्न्ड
a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat, I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khadgeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Get going. I know. You want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as a key center of disturbance. You are determined to have your way at the cost of constitution. You are doing it.